नागपुर महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। जीवनावश्यक चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, खुदरा किराना, सब्जी के दाम तेजी से बढ़ रहे, जिसका असर आम आदमी पर हो रहा है। इसी के चलते मनसे वाहतुक सेना की ओर से आंदोलन किया गया। आए दिन बढ़ती महंगाई का सामना आम आदमी कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, खुदरा किराना, सब्जी, रोजमर्रा की जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र नव निर्माण वाहतुक सेना द्वारा आज केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया है। कसा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ही सर्वसामान्य जनतेच्या भावना ओळखून कार्यक्रमामध्ये अग्रेसर असते। केंद्रातला असो वा राज्यातला असो, हे जे दोन्ही मुर्दार सरकार आहेत, ज्यांची मन मेलेली आहेत, यांना जनतेच्या भावनाची काहीही पडलेली नाही आहे। आज अशी एकही वस्तू नाही आहे की जी महाग नाही आहे। महागाईने जनता होरपळून निघाली असताना हे दोन्ही सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत, गेंड्याच्या कातडीची भूमिका अदा करत आहेत। या झोपी गेलेल्या सरकारला जागं करण्याकरता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमीच आंदोलन करत असते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दरवाढीच्या विरोधात या अगोदर सुद्धा आंदोलन केलं। या महाराष्ट्राच्या जनतेची, सर्वसामान्य जनतेची नेहमी भूमिका सरकारजवळ मांडणारे आमचे अध्यक्ष आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांनी सरकारला नेहमी झोपेचं सोंग केलेल्या सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीसुद्धा या सरकारची नियत जी आहे ती काही व्यवस्थित दिसत नाही आहे। म्हणून परत एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रणित वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून आज हा दरवाढीच्या विरोधातला मोर्चा आम्ही काढतो आहे। कुमकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए मनसे द्वारा आज संविधान चौक से विभागीय आयुक्त कार्यालय तक मोर्चा निकालकर आंदोलन किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।